टांडा पुलिस और एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर लूट और डकैती करने वाले 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास लूट का सामान और अवैध तब्जे भी बरामद किए हैं। एसपी शिव हरि मीणा ने बताया कि थाना टांडा क्षेत्र में एक डकैती हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की तो पता चला क्षेत्र के ही एक युवक द्वारा रैकी की गयी थी। उसी के आधार पर पता चला कि ये 9 अभियुक्तों का गैंग है जिसे पुलिस ने पकड़ा है। गिरफ्तार अभियुक्तों से सोना चांदी तब्जे और बाइक बरामद हुई है। ये बहुत ही शातिर गिरोह है। ये लोग अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, उत्तराखंड में लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इन लोगों से 4 डकैती की घटनाओं का खुलासा हुआ है। टांडा थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व एक डकैती घटनाकारित हुई थी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और करने के साथ इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करी। इसमें एक तथ्य निकल के है कि गांव के एक युवक के द्वारा इसमें रैकी करी गई। उसी के आधार पर लगभग 9 लोगों का ये गैंग है जो पुलिस ने पकड़ा है। इनसे काफ़ी भारी मात्रा में सोना चांदी और पैसे बरामद हुए हैं, तमंचे बरामद हुए हैं, बाइक बरामद हुई है। इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है जिसमें 20-20 इनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हैं। ये संभल, रामपुर, अमरोहा, मुरादाबाद और साथ साथ उत्तराखंड में भी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इनसे लगभग 4 डकैती घटनाएं खुली हैं और साथ ही साथ चोरी और अन्य जो आपराधिक कृत्य उनका भी खुलासा आज रामपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। रामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।